वेलकम टू रेड टेक चैनल अ न्यू टू लर्न तो आज हम सीटी स्कैन में बात करेंगे सीटी डिटेक्टर के बारे में प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग टी डिटेक्टर सीटी डिटेक्टर बेसिकली होता है डिटेक्टर uh, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन गैदर करता है बाई मीजरिंग एक्सरे अटेन थ्रो ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से अटेन होके जो एक्स रेज पास थ्रू होके आती हैं उनको इंफॉर्मेशन को मेजर करता है वो हमारा होता है डिटेक्टर और ये हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक्सरे की उसमें डिटेक्टर में यूज यू, 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 की जाती है पहला है एफिशिएंसी दूसरा है रिस्पांस टाइम यानी कि आफ्टर ग्लो एंड तीसरा है लीनटी अब वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सी डिटेक्टर में बेसिकली एफिशिएंसी है एफिशिएंसी का मतलब क्या है एफिशिएंसी है रिलेटेड टू नंबर ऑफ़ एक्सरे रीचिंग दी डिटेक्टर दैट आर डिटेक्टेड यानी कि कितने अमाउंट ऑफ एक्स रेज हमारे डिटेक्टर के पास पहुंच रहे हैं और उनको डिटेक्ट किया जा रहा है ये हमारा एफिशिएंसी डिफाइन करता है रिस्पॉन्स टाइम रिलेट करता है कि हमारा कितना फास्ट हमारा जो एक्सरे रे डि डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है और जो हमारे एक्सरेज हैं उनको कन्वर्ट करता है एक्सरे से इलेक्ट्रिक पल्स में और करंट में तो ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम है कि हाउ फास्ट इट वर्क्स तीसरा पॉइंट आता है हमारा लीनियरिटी लीनियरिटी तो बेसिकली रिलेट करता है हमारी प्रोपेशन प्रोफेशनलिटी बिटवीन आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर एंड द नंबर ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज यानी कि कितने नंबर ऑफ़ इंसिडेंट एक्सरेज डिटेक्टर पर पहुँचे थे और उसका आउटपुट कितना निकला है तो दोनों में जो प्रोपोर्शन आता है कि कितने हमारे पास डिटेक्टर रिसीव हुए और हमने आउटपुट कितना बेहतर दिया या कितना उसका इस्तेमाल किया तो ये हमारा लीनियरिटी में आता है तो ये तीन फैक्टर है जिसमें हमें बेसिकली सिटी डिटेक्टर यूज़ में आता है अब इसमें टू टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं सी स्कैन में पहला है हमारा सिंटिलेशन डिटेक्टर इसमें बेसिकली सोलिड मटेरियल का यूज़ किया जाता है इन विच एक्स रेज जो हमारा एनर्जी ऑफ एक्स रेज है वो कन्वर्ट होता है लाइट फोटोन में यानी कि एक सॉलिड मटेरियल है जिसका इस्तेमाल सेंटिलेशन डिटेक्टर में किया जाता है जो हमारे एक्स रेज को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है और जो एमिट लाइट है वो देन कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक पल्स में किसके द्वारा फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा या हमारा सिलिकॉन फोटो डायोड तो इनका इस्तेमाल करके हमारा जो एमिटेड लाइट है वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है द मटीरियल विच प्रोड्यूस लाइट वेन द एक्सरे इज एब्जॉर्ब्ड इज नेम सिंटिलेटर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंटिलेटर एंड द डिवाइस कन्वर्टिंग लाइट इन टू अ करंट इज कॉल्ड सिंटिलेशन डिटेक्टर यानी कि जो हमारा मटीरियल यूज़ किया जाता है लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए पहली बात तो जब हमारा एक्सरे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंटिलेटर और उसके बाद जो कम्बिनेशन है सिंटिलेशन और जो लाइट कन्वर्ट होती है उसके बाद उसको करंट में कन्वर्ट करना तो ये दोनों मिला के इसका नाम रखा है सिंटिलेशन डिटेक्टर यानी कि सिंटिलेटर का प्रोसेस है एक्सरे एब्जॉर्ब करना और डिटेक्टर है बेसिकली जो एक्सरेज है लाइट है उनको करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना लाइट इनटू करंट दूसरा आता है हमारा गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर ये हमारा आयनाइजेशन ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है जो कि इनसाइड एक क्लोज चैम्बर के अंदर होता है जब हमारा एक्सरे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है गैस में तो ये हमारा गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर काम करता है उसके आधार पर बट इसका जो मेन डिसएडवांटेज है कि ये लो एफिशिएंसी होता है गैस डिटेक्टर का बेसिकली ये हमारा मेजर डिसएडवांटेज है एफिशिएंसी वही कि हमारे कितने अमाउंट ऑफ एक्सरे रिसीव हुए और उसका आउटपुट क्या है तो आउटपुट देने में ये बेहतर साबित नहीं होता एज कंपेयर टू सिंटिलेशन डिटेक्टर अब एक अच्छा डिटेक्टर होता है उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है यानी कि कुछ खूबियां या उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको फेवरेबल कंडीशन में लाता है तो पहला पॉइंट है हमारा हाई एब्जॉर्बन एफिशिएंसी यानी कि वो अधिक से अधिक मात्रा में एक्सरेज़ को एब्जॉर्ब करे एफिशिएंसी वही कि हमारा इनपुट और आउटपुट को बैलेंस बनाए रखे दूसरा पॉइंट है हमारा हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी यानी कि कन्वर्जन रेट एक तरह से जो एक्सरे से लाइट में कन्वर्जन करने की जो एफिशिएंसी है यानी कि ज़्यादा मात्रा में हो हमारा कन्वर्जन थर्ड है हमारा हाई कैप्चर एफिशिएंसी यानी कि जो हमारे अमाउंट ऑफ़ एक्सरेज़ आए हैं उनको कैप्चर करने की भी एफिशिएंसी हमारे में एक डिटेक्टर में होनी चाहिए तो ये हमारे एक करेक्टर में आता है करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ डिटेक्टर में कि ऐसा हमारा डिटेक्टर होना चाहिए चौथा पॉइंट आता है हमारा हाई रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रिप्रोडक्टिबिलिटी में भी यही है, है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसने आगे कितना प्रोसेस किया है कितना अच्छे से वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है ये हमारा रिप्रोडक्टिबिलिटी और स्टेबिलिटी में आता है स्टेबिलिटी में बेसिकली लॉन्ग टर्म में वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम ना हो गई हो तो ये हमारा सब स्टेबिलिटी में आता है तो ये चार पॉइंट है जो हमारा एक फेवरेबल डिटेक्टर में होने चाहिए अब सिंटिलेशन डिटेक्टर की बात करें तो इसमें हमारा सिंटिलेशन क्रिस्टल होता है जो कपल्ड होता है यानि कि उसके साथ अटैच्ड होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के साथ जो हमारा कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में और जो अमाउंट ऑफ़ लाइट प्रोड्यूस की है वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब एक्स रेज यानी कि जो हमारी जितनी हमारी एब्जॉर्ब uh, होगी एक्स रे उतनी ही मात्रा में हमारा लाइट भी प्रोड्यूस होगी तो ये प्रोपोर्शनल uh, है एक साथ समानांतर। तीसरा पॉइंट आता है हमारा ये जो सिंटलेशन डिटेक्टर है ये हमारा पुरानी मशीनों में यूज़ किया जाता था चौथा पॉइंट है हमारा कि ये इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये जब इसके जो एक्स रेज हैं वो रिसीव हो के ग्लो करते हैं ये इसका डिसएडवांटेज है एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सोडियम आयोडाइड कैडेमियम टंगस्टेट और सीजियम आयोडाइड के भी होते हैं ये इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है जो हमारा कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रॉन में गैस डिटेक्टर की बात करें तो इसमें हमारे आयोनाइ आयोनाइजेशन चैम्बर होते हैं जो हमारे जेनोन और क्रिप्टन गैस का इस्तेमाल करते हैं जो आयनाइजेशन आयनाइज्ड गैस है वो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली टंगस्टन के साथ अटैच कर देती है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्रिएट कर देती है जब हमारा गैस आयनाइजेशन हो जाता है तो वो प्रोपोर्शनल हमारा इंसिडेंट रेडिएशन के यानी कि जितनी मात्रा में इंसिडेंट रेडिएशन आएगी उतने ही हमारे गैस उतने ही मात्रा में आयनाइज आयनाइज होंगे 100% परसेंट इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है इसका एडवांटेज है और आयनाइजेशन चैम्बर में जेनोन का इस्तेमाल करते हैं अंडर प्रेशर कुछ प्रेशर मेंटेन करके तो ये हमारा गैस डिटेक्टर का हो गया इसमें आयनाइजेशन चैम्बर का होता है और आयोनाइ गैस इलेक्ट्रॉन को टंगस्टन की प्लेट के साथ अटैच करती है टू अटैच टू टंगस्टन प्लेट क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को क्रिएट किया जाता है देन बात करें हम इसके बाद कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है जो हमारे सिग्नल्स हमें मिले हैं उनको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर कंप्यूटर प्रोसेस में अब इसमें डिजिटल सिग्नल्स को स्टोर किया जाता है स्कैनिंग के दौरान और रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है इमेज़ को जब हमारा स्कैन कंप्लीट हो जाता है ये रिकन्स्ट्रक्शन इमिडिटली uh, भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है बट जो हमारा डाटा है वो मैनिपुलेट भी हो सकता है इन टू वेरियस प्लेन्स जैसे कि हम सी टी स्कैन में आ, हर एक तरफ से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो हमारी जो इमेज है वो मैनिपुलेटेड हो सकती है चेंज हो सकती है क्योंकि हम वेरियस प्लेन्स में से उसको क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये था हमारे डिटेक्टर के बारे में आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो Do subscribe if you like and thanks for watching.